महीनों तक हमने बनारस के हर गली चौराहे और चाय की दुकानों पर चर्चा की और लोगों से जानने का प्रयास किया कि इस लोकसभा चुनाव में उनके मुद्दे क्या रहेंगे। आज मतगणना हुई है और निश्चित तौर पर जो परिणाम आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। खासतौर पर पूर्वांचल की सीटों पर बात कर लें तो समाजवादी पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। इसके अलावा वाराणसी की लोकसभा सीट पर बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,52,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने भी मजबूती से यहां पर चुनाव लड़ा है। ये वही जगह है जहां पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, जो लोग उस चर्चा में शामिल थे उनसे आज हम फिर बात करेंगे। धीरेन जी, क्या कहेंगे आज के परिणाम को लेकर, आपका क्या कहना? मुझे अच्छी तरह याद है, आपने इस बात पे जब यहाँ पे आपने चर्चा की थी, मैं उस चर्चा में शामिल हुआ था। मैंने उस चर्चा में साफ तौर से कहा था कि आइए हम शर्त लगा लें, यहाँ मोदी जी से अच्छे मार्जिन से, रायबरेली से राहुल गांधी जी चुनाव जीतेंगे, अगर नहीं जीतेंगे तो मैंने कहा था कि मैं राजनीति पर या डिबेट में भाग लेना छोड़ दूंगा। कहा था या नहीं कहा था? कहा था। तो आज ईश्वर ने हमारी बात सुनी। मैंने उस दिन भी डंके की चोट पे कहा था कि अमेठी से और रायबरेली दोनों जगह से कांग्रेस अच्छे बहुमत से जीतेगी, और उसने जीत करके दिखलाया। और मैंने यह भी कहा था कि मध्य प्रदेश में जब तक कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग दिग्विजय सिंह पर नियंत्रण नहीं रखेंगे और दिग्विजय सिंह को कांग्रेस से निकाल बाहर नहीं करेंगे, तब तक वहाँ कांग्रेस का उत्थान नहीं होगा। या आज मैं पुनः कर रहा हूँ, डंके की चोट पे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है नहीं चर्चा, यानी मध्य प्रदेश में यानी कांग्रेस आज अच्छा करती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे, यानी सीधे सीधे मेजोरिटी, कांग्रेस सीधे सीधे मेजोरिटी में जाती है। अगर मध्य प्रदेश में दिग्विजय कमलनाथ जी संदेहास्पद व्यक्ति हो गए, कमलनाथ जी ने अमित शाह से भी बार्गेन करने की कोशिश की थी, उन्होंने प्रयास किया था कि मैं एनडीए में किसी तरह से सम्मिलित हो जाऊँ चुनाव सरकार बदलने के बाद, लेकिन जब उन्हें अमित शाह ने उन पर संदेह किया, उन्हें एनडीए में नहीं लिया, तो फिर दिग्विजय ने एक प्लानिंग के साथ उनको कांग्रेस में वापसी की। कहा जा रहा था कि काशी में एक बड़ी जीत हासिल होगी, हालांकि 3 बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी यहां से चुने गए हैं, जीत हुई है उनकी और एनडीए को भी बहुमत मिल रहा है। क्या कहेंगे, 1,52,513 वोट से वो जीते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ रह गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं? हाँ, कमियाँ हैं, बिल्कुल कमियाँ हैं। मैंने पहले ही आपसे जो है बताया था कि देखिए, इस समय जो देश का माहौल है, सबसे बड़ा माहौल है महंगाई और बेरोजगारी। और जब भी मैं टीवी चैनल खोल रहा था तो मुझे ये दोनों मुद्दे दिख नहीं रहे थे। मुद्दे क्या दिख रहे थे? मंगलसूत्र, राम मंदिर, जो है आरक्षण, मुसलमानों का आरक्षण। मैंने भी पढ़ाई किया, लॉ के बाद अपने कार्य में लगा हुआ हूँ। मैं सोचा कि जो भी बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक है, एमटेक है, एमईबीएस है, वो टीवी चैनल खोलते होंगे तो क्या देखते होंगे? मंगलसूत्र, राम मंदिर, उनको तो चाहिए ना। अच्छा, एक बात बताइए, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई जहाँ माना जा रहा था कि जीत कहीं ना कहीं आसान है। पूर्वांचल की मैं लोकसभा सीटों की बात कर रहा हूँ, पास के ही चंदौली पर हालांकि टक्कर एक समय कहा जा रहा था, लेकिन केंद्रीय मंत्री यहाँ से हार गए। इसके अलावा घोसी, जहाँ एक लगी थी पार्टी, इसके अलावा सुभाषपा, जो अपना पूरी ताकत झोंकी थी, वहाँ से भी उनकी हार हुई है। गाजीपुर, क्या कहें? देखिए, महेंद्र नाथ पांडे की हार सुनिश्चित थी, और ये हार न पार्टी की उनकी है, न ही संगठन की, ये खुद की उनकी हार है, क्योंकि उनको जनता ने हराया है। वही गाजीपुर की जनता थी, अब जल अंसारी को जिताया, वही घोसी की जनता है जो है राजीव राय को जिताया, तो पूर्वांचल में जनता ने लड़ा और जनता, हाँ, भाजपा रह कहा गई है। और बात करेंगे, क्या कहेंगे आज के जनादेश पर, क्या बात हो रही है, जनादेश क्या है? क्या लगता है आपको, आज का जो जनादेश आया है वो चौंकाने वाला है? हाँ, उम्मीदें क्या थी, क्या लग रहा था आपको कि ऐसा जनादेश आएगा या कुछ और? उल्टा हो गया सब, उल्टा हो गया। सोचे क्या थे आप? सोचे क्या थे भारतीय जनता पार्टी? हाँ, सोचे। कितनी सीटें? अरे तकरीबन कितनी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को कितनी सीटें? 350 के पार, ये 350 के पार रहा, लेकिन कमी कहाँ रह गई? जनता के मूड की बात है, और क्या, जनता के मूड के मूड पर बात है। आइए हिमांशु जी से भी बात करेंगे। हिमांशु जी, क्या लगता है, उस समय भी चर्चा आप लोगों से हुई थी,
वैसे यहाँ पर भी अनेक कार्य हुए हैं, कहा जा रहा था कि जीत का मार्जिन अधिक होगा, जीत हुई है इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी जीत हुई है, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी यहाँ जीते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ रह गई क्या? देखिए युद्ध में जीत जीत मायने रखती है, जैसे होता है ना कि हम कुछ पॉइंट से छट गए, कुछ पॉइंट हमारा नौकरी नहीं लगा, उसी तरह ये जीत जीत है और जीत को स्वीकार करना चाहिए और विपक्ष को अपनी हार स्वीकार अब कर लेना चाहिए। लेकिन वो लोग बोल रहे कि मोदी जी ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, 400 आंकड़ा पार नहीं करा। मोदी जी का ठीक है, मोदी जी बहुत कुछ कहे तो नहीं कर पाए, तो आप सब चीज़ को तो पकड़ नहीं लिए थे, लेकिन मोदी जी की ये जीत है, ये काशीवासियों की जीत है, ये तीसरी जीत है, इस बात को विपक्ष ना भूले। और लोग कह रहे हैं कि मोदी जी मतलब पूरी सारा सिस्टम लग गया था मोदी जी के साथ, फिर इतना कम वोटे तो क्यों, तो सारा विपक्ष भी तो सिलेंडर था अजय राय के समर्थन में, तो इसलिए ये जीत मोदी जी की मायने रखती है, क्योंकि यहीं पर लोग मोदी जी को हरा भी रहे थे, तो ये चीज़ को नहीं भूलना। दूसरा चीज़ कि जो मोदी जी को एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और खासकर योगी जी को, कि ये योगी जी की हार है, मैं ये बात मैं संगठन से और इस विचारधारा का समर्थन करता फिर भी कहता ये योगी जी की हार है, क्योंकि उनके प्रदेश में इस तरीके की अगर गति हुई और यहाँ भी युद्ध का क्षेत्र भी ज़्यादा, ये कुरुक्षेत्र बना हुआ था, सबका ध्यान यहाँ था, इसलिए यहाँ पे क्षति ज़्यादा हुई है, यहाँ पे ज़्यादा योद्धा शहीद हुए हैं, इसको मायने रहे, लेकिन जीत तो मिल रही है, अजीत मिली है, अजीत प्रधानमंत्री ही नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, इस बात को आप भी सुन लीजिए, हम भी सुन लें, कोई किसी को अगर कान में रुई गई हुई है तो अपना रुई निकाल दे और आँख खोल के थोड़ा देख ले कि पोर्टल क्या है। चर्चा में आ जाइए, क्या लगता है जो जनादेश आया है वो चौंकाने वाला है या कहीं ना कहीं के कैसे देखते हैं? जनादेश तो चौंकाने वाला ही है, ठीक है, हकीकत में जो वोट पड़ना चाहिए मोदी जी को, इसमें उलटफेर हो गया, उलटफेर हो गया, उलटफेर कहने का मतलब जो हिंदुत्व है वो विशेष इस पर ध्यान नहीं दिया, वो तो यह देख रहा है कि मोदी जी जीत रहे हैं 400 पार में, इसलिए जो वोटर हैं वो घर के अंदर ही रुक गए, जितने वोटर को निकलना चाहिए, अगर किसी घर में 10 वोट है उसमें 4 लोग जा रहे हैं और 6 घर में बैठ जा रहे हैं, वो तो मोदी जी। एक बात बता दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी को जिसने वोट नहीं दिया वो असली हिंदू नहीं? एक्चुअली उसको असली हिंदू कहें, हिंदू तो है ही है, मगर हिंदू फर्ज नहीं निभा पा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी को वोट देगा वो फर्ज निभाए? एक्चुअली देखिए इसमें वो नहीं है, फर्ज के क्या मतलब, हमें यह लगता है सनातन धर्म के विषय में कौन बोलता है और कौन सी पार्टी सनातन धर्म पर बात करती है, हमें एक बताइए, कोई भी पार्टी बताइए सनातन धर्म पर कौन पार्टी बोलती है, वो तो एक पक्ष लेकर ही बोलती है अधिक। तो मतलब देश का चुनाव सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के विषय में? नो काम पर वो सबके विषय में, अगर मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं वो सभी के लिए कर रहे हैं ना, ना कि एक 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 किसी जात। तो बात हम कह रहे हैं कि पहले काम आना चाहिए ना, धर्म जैसे किसी भी व्यक्ति का कोई धर्म है तो वो एक उसका व्यक्तिगत कहने का मतलब, हमारे कहने में हम राजनीतिक इंसान तो हैं नहीं। ठीक है, होगी। एक और बात अब क्या आप भविष्यवाणी करेंगे? अपने तो आपने कह दिया था कि नहीं, राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत होगी, अब क्या? अब मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, सबके सहमति नहीं होगी। अब अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा एनडीए का तो गडकरी जी बनेंगे, लिख लीजिए, आज फिर कह रहा हूँ। गडकरी जी ज्योतिष परिवार का, मैं ज्योतिष परिवार से भी बिलोंग करता हूँ, यह मेरा कैलकुलेशन है। आप कह दिए आज के जनादेश पर आप क्या? पहले तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, ये सपा और कांग्रेस ने काफ़ी मेहनत करके 234 सीट प्राप्त किया है, ठीक, इंडिया जी इंडिया गठबंधन, और हमारे मोदी जी, मैं मोदी जी को अपना पिता मानता हूँ, मैं मानव कल्याण सेवा समिति अध्यक्ष विजय कोमल सोनी। अपनी बात को आप रखिए, हमारे पास समय बहुत निर्धारित है। अच्छा, कम? हाँ बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए कि आज के जनादेश को कैसे देखते हैं? आज के जनादेश को देखते हैं कि पहली बात तो जीत तो मोदी जी की होनी थी, जीत हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह बहुमत नहीं मिला? देखिए ऐसा है कि जो दो नौजवान बच्चे हैं, अखिलेश जी और राहुल जी, इन्होंने मेहनत किया है गर्मी में। अच्छा, गर्मी का मेहनत का फल है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो लोगों से चर्चा हमारी जारी रहेगी, आज से में आज का जो जनादेश है उसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जो है वो जारी है, लेकिन स्पष्ट है कि एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेंगे, अंतिम कमेंट आपसे ही रहेगा। आज निश्चित तौर पर जो परिणाम आया है वो चौंकाने वाला रहा है। इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, पूर्वांचल की सीटों पर बात कर ले, समाजवादी पार्टी और रायबरेली अमेठी, दोनों कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा भी अन्य सीटों पर, क्या कहेंगे?
देखिए ये लोकतंत्र का पर्व है और लोक जीता है, लोक माने जनता। जनता ने अपने हिसाब से एक मजबूत विपक्ष दिया है, जो भी विपक्ष में बैठे उसको मजबूती दिया है, और जो केंद्र में तानाशाही हो रही थी पिछले 10 साल से उसका अंत किया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। जो जैसे आप चाहो जो कानून बनाओ, जो बिगाड़ो, जो करो, अब नहीं कर पाओगे। अब आपको एक संगठन बना के और एक ऐसे संघ के रूप में सरकार बनाना है, चाहे इंडिया बनावे चाहे एनडीए बनावे, कि उसमें फिर एक समन्वय समिति बनानी होगी, एक उसका कोलिजन का चेयरमैन बनाना होगा। मैं इस परिणाम को बहुत बेहतर मानता हूँ। आज आए परिणाम पर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।